जनवरी 8 को भारत बंद का कॉल दिया गया है, सभी प्रमुख मजदूर यूनियन इसमें शामिल है, क्या मांग है मैम? देखिए, भारत बंद तो लोगों ने इसको बना दिया है। ये ओरिजिनली ट्रेड यूनियन, सेंट्रल ट्रेड यूनियंस की कॉल थी, ट्रेड यूनियन की एक दिन की हड़ताल के लिए। लेकिन आज इतना असंतोष है किसानों में, महिलाओं में, छात्रों में, कि सब लोग इस हड़ताल का समर्थन कर रहे हैं। इसकी प्रमुख मांगे हैं कि मजदूर विरोधी कानून को वापस लिया जाए, जो संशोधन किए गए वो वापस लिए जाएं, प्राइवेटाइजेशन को ख़त्म किया जाए। ये जो समझ लीजिए एक ट्रेन है रेलवे की, तेजस, उसको इन लोगों ने बेचा है और उस पर काम करने वाले लोगों को 18-18 घंटे काम करना पड़ रहा है कॉन्ट्रैक्ट पर, वो बीमार पड़ रहे हैं। ये भविष्य है मजदूरों का अगर इस सरकार की चलेगी। हमारे मनरेगा में जो सबसे गरीब हमारे रूरल ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं, उसका उन्होंने बजट काट दिया है, बकाया नहीं दे रहे हैं, कहीं काम नहीं है। किसान इतना परेशान है, 100 रुपये में प्याज बिक रहा है और 25 पैसे उसको मिले थे। महिलाएं इतनी असुरक्षित हैं, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं, 4 दिन के अंदर 4 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, हत्या की कोशिश हुई, उनको जिंदा जलाने का काम किया गया। ये तो हालत है। बड़े बड़े नेता भी उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी के हैं, वो बलात्कार के आरोपी हैं। मैम, जैसा आपने अभी कहा कि जब ये कॉल दी गई थी पिछले साल सितंबर में, तब जो लेबर कोड्स आए थे उसके खिलाफ ये प्राइमरी था, तब से अभी तक बहुत कुछ हो चुका है, एनआरसी को लेकर के भी अभी यहाँ पे स्लोगन्स लगे। देखिए, जो किसान है वो भी कम परेशान नहीं है, इसलिए किसान संगठनों ने समर्थन किया, खेत मजदूर संगठनों ने समर्थन किया, महिलाओं ने समर्थन किया, दलित ऑर्गेनाइजेशन ने समर्थन किया कि आप रिजर्वेशन खत्म करना चाहते हैं, आप SC ST एक्ट को खोखला बनाना चाहते हैं, और छात्रों पे जो गुजरी है उसने तो एक तरह से लोगों के अंदर गुस्सा भर दिया है, और इसके ऊपर ये CAA और NRC ला रहे, मतलब जनता की सुनने को तैयार नहीं है। 250 किसान संगठन मिलके ऑल इंडिया किसान संघर्ष समिति एवं हमारा ऑल इंडिया किसान सभा पूरा देश में ग्रामीण भारत बंद का आह्वान किया है। आज पूरा हिंदुस्तान में गांव का कोई सामान शहर में नहीं आ रहा है, शहर के सामान गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है, रास्ता रोको हो रहा है, रेल रोको हो रहा है, पूरा देश में मजदूर किसान और विद्यार्थी सब मिलके आज मोदी का जो विश्वासघात है, ये विश्वासघात ही नीति के खिलाफ रास्ता में है। संविधान तोड़ने का साजिश है, जनवाद को खत्म करने का साजिश है, सेकुलरिज्म का खत्म करने का साजिश है, डेमोक्रेटिक ह्यूमन राइट्स को खत्म करने का साजिश है, एक फैसीवादी राज कायम करने का जो गुंडे बना रहा है, RSS असली टुकड़े टुकड़े गैंग RSS है।